नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके का ये वीडियो नंबर 9 है। इसमें हम देखेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। और स्टैटिक जीके को हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हमारा पीडीएफ है स्टैटिक जीके का, जिसमें 46 टॉपिक है। पीडीएफ आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पूरा पीडीएफ का क्लास आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में ये वीडियो नंबर 9 है। आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हीं को हम देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में ये वाला पीडीएफ है स्टैटिक जीके का, ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ बना दिया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर जो आपको कोई भी डाउट होता है कहीं पे, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वाला हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ के कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम ये वाला है एग्जाम गुरु सुधीर वन, फॉलो करके, ठीक है। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन करिए और पीडीएफ के लिए। और अगर जो आपको हमारे फ्री वाले या पेड वाले कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हो www.allexamguruji.com। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क की बात करें या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, ठीक है। इसमें देखो डिफरेंसेस आपके समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस क्या होता है। आप सोचोगे इसमें भी जानवर होते हैं, इसमें भी पशु होते हैं और इसमें भी पशु होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान में और वन्य जीव अभयारण्य में? इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान में और वन्य जीव अभयारण्य में? एक तो हम बोलते हैं नेशनल पार्क, एक तो हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये आप फोटो देख सकते हो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का है। हालांकि दुधवा एक प्रकार से टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पे बात करें सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य का, इसका गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये तो हो गया वन्य जीव अभयारण्य की बात, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात। अब बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की बात, यानी कि राष्ट्रीय पार्क की बात। तो इसका गठन विशेष प्रकार के सरणस्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष सरणस्थली में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। अगर जो हम देखें इसमें जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें मानव गतिविधि की अनुमति दी जाती है, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मनुष्य जा सकता है, मनुष्य कुछ भी इमारत या फिर कुछ भी बना सकता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सीमा निर्धारित नहीं होती वन्यजीव अभयारण्य की, लेकिन जो नेशनल पार्क होती है उसमें मानवीय गतिविधियां जो होती हैं अधिवास यानी कि रहने और खाने की, इस सभी की अनुमति नहीं होती। यहाँ पर जानवरों के चराने, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी अनुमति नहीं होती नेशनल पार्क में, और वन्यजीव अभयारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति दे दी जाती है। वहीं पर बात करें जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं इसमें शिकार निषिद्ध है, हालांकि चराई उराई के लिए जो मवेशी होते हैं वो आ जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इसमें पूरी तरीके से शिकार भी निषिद्ध है और कोई जो आवाजाही या फिर चारा वारा के लिए जाते हैं वो भी निषिद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक और बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे पॉइंट बता देना चाहता हूँ, किसी वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय पार्क को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बात करें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में वर्तमान में 105 राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य की संख्या 531 है, ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए कि ये जरूरत आखिर क्या पड़ी कि हमें नेशनल पार्क बनाना चाहिए, हमें वन्य जीव अभयारण्य बनाना चाहिए। आपको एक चीज और बतानी चाहिए, एक फैक्ट कि विश्व के 5% जो एनिमल है, विश्व के 5% जो पशु हैं वो इंडिया में रहते हैं, और पहले इंडिया इस पे फोकस नहीं करता था कि हमें वन्य जीव अभयारण्य बनाना चाहिए और हमें पशु विहार बनाना चाहिए। क्यों? इसका भी रीजन था, पहले वन होते थे, पहले जंगल होते थे, पहले ढेर सारे पेड़ होते थे, तो इसकी दिक्कत नहीं आई कभी। लेकिन टाइम के साथ साथ हम पेड़ों को काटने लगे, जंगलों को नष्ट करने लगे, तो इन जानवरों को भी संरक्षण की जरूरत पड़ी। तो समय के साथ साथ हमें नेशनल पार्क बनाना पड़ा, हमें वन्यजीव अभयारण्य बनाना पड़ा। ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम अलग अलग राज्यों के वन्य जीव अभयारण्य यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम राजस्थान की बात करें। आप राजस्थान का मैप देख सकते हो। तो राजस्थान की अगर जो बात करें यहाँ पे, ये केवला देव, सबसे पहले हम केवला देव की बात कर लेते हैं। केवला देव नेशनल पार्क, ये जो केवला देव नेशनल पार्क है, ये साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी का अभ्यारण स्थल माना जाता है। और केवला देव एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। केवला देव बहुत इंपॉर्टेंट है। केवला देव राजस्थान में है और साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी के प्रवास स्थल यानी कि साइबेरियन जो पक्षी आते हैं वो केवला देव नेशनल पार्क में आते हैं। और केवला देव एक प्रकार का यूनेस्को का आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। अब बात करें नेक्स्ट हमारा, तो रणथंभौर हमारा है। जो रणथंभौर है इसको ध्यान रखिए कि रणथंभौर हो गया, ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर संरक्षित क्षेत्र भी है रणथंभौर। ये भी आपका राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क की बात करें, ये भी एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है। मरुस्थली नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। और मुद्रिका हिल्स की बात करें, ये भी आपका एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है। घना पक्षी विहार नेशनल पार्क, ये भी आपका राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट लवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये भी आपका राजस्थान में, माउंट आबू ध्यान रखिएगा राजस्थान में है। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है राजस्थान में है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। ये सारे आपके नेशनल पार्क है और ये आपके क्या है, जो दूसरा मैं बता रहा हूँ छः, ये आपके वन्य जीव अभयारण्य है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका राजस्थान में है। और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका राजस्थान में। याद करना है, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, और भी बहुत सारे आपको छोटे मोटे मिल जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पीडीएफ से आपका रिवीजन करना है। पीडीएफ आपका नहीं लेते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, वीडियो को दो तीन बार देख लीजिएगा। तो राजस्थान के बारे में मैंने क्या बताया, केवला देव नेशनल पार्क जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, इस ये साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का प्रवासी स्थल है। रणथंभौर मैंने बताया, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मरुस्थली नेशनल पार्क, मुद्रिका हिल्स, घाना पक्षी विहार। और यहाँ पे बात करें, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, मुद्रिका हिल्स हो गया, एक प्रकार का ये टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व को बात करें हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बनाएंगे। टाइगर रिजर्व हो जाता है और आपका एक वेटलैंड साइट्स हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग वीडियो बनेगा। अब यहाँ पे राजस्थान के हमने यहाँ पे नेशनल पार्क देख लिए, और ये है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो माउंट आबू है, कुंभलगढ़ है, सवाई मानसिंह, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट बात करें, हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मध्य प्रदेश का मैप देख सकते हो। मध्य प्रदेश में कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको याद रखना है। एक आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, जितना भी स्टार लगा सको कम है इसमें। हालांकि मैंने नहीं दिया है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क, क्या है कूनो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये 2018 में बना है और लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, 2018 में बनाया, ध्यान रखिएगा इसको आप लिख लीजिए। अब आते हैं मध्य प्रदेश में बात करें, सबसे पहले आपका कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, ये आपका फेमस है बारह सिंघा के लिए, ठीक, एक ही है ये कान्हा नेशनल पार्क जो यहाँ पे बारह सिंघा मिलते हैं। पेंच नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये दर्ज है, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये सफेद बाघों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। संजय नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, माधव नेशनल पार्क, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। पल्लापुर कूनो नेशनल पार्क, ये देखो कूनो के बारे में मैंने बताया, ये आपका लेटेस्ट है, क्या है लेटेस्ट है, 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था। लेटेस्ट अगर जो पूछे सबसे जल्दी सबसे अभी करंट में कौन सा नेशनल पार्क बना है, तो कोनो नेशनल पार्क 2018 में ये बना है। मंडल फॉसिल नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फॉसिल नेशनल पार्क, यहाँ पे कुछ जीवाश्म है जो संरक्षित किए गए हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपके कौन कौन से नेशनल पार्क एमपी में हो गए, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, संजय, माधव, पल्लापुर, कूनो और फॉसिल, मांडला फॉसिल नेशनल पार्क, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एमपी में वन्यजीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय यहाँ पे राष्ट्रीय कंबल वन्यजीव अभयारण्य ये ध्यान रखिएगा। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, ये प्रकार टाइगर रिजर्व भी है।
केन घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। पंचमणि वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य ये भी एमपी में है। और ओरछा वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका एमपी में है। ये आपके एमपी के कुछ हो गए। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में अगर जो हम आते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जिम कार्बेट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क था, भारत का पहला नेशनल पार्क है। लेकिन जब ये बना था भारत का पहला नेशनल पार्क, कब? 1936 यानी 1936 में बना था। लेकिन उस टाइम उसका नाम जिम कार्बेट नहीं था, उस टाइम उसका नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क था। यानी कि भारत का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, वर्तमान में इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब जिम कार्बेट की बात करें, जिम कार्बेट कौन था? तो ये जो जिम कार्बेट थे ये ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन के एक शिकारी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रिटेन के एक शिकारी थे। इन्हीं के नाम पे ये जो जिम कार्बेट है नेशनल पार्क, इनका नाम पड़ा था, ठीक है। एक शिकारी थे, टाइगर शिकारी, जिम कार्बेट ब्रिटेन के थे। और ये आपको पता हो गया कि भारत का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क था, और इसका वर्तमान में नाम जिम कार्बेट का दिया गया था, 1936 में बना था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये दर्ज है। और यहाँ पे नंदा देवी फूलों की घाटी दोनों की बात करें तो दोनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दर्ज है। यहाँ पे बात करें राजा जी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है। राजा जी यहाँ से कहाँ से आया? तो राजा जी ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं के नाम पे ये राजा जी नेशनल पार्क रखा गया था, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी आप ध्यान रखिएगा, गंगोत्री कहाँ पे है? आपको पता है जहाँ पे गंगा नदी बनती है। गंगा नदी कैसे बनती है? जब भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है गंगोत्री के पास, तो यहाँ पे गंगा नदी बनती है, तो वहीं पे आपका गंगोत्री नेशनल पार्क भी स्थित है। अब आते हैं वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद पशु वन्यजीव अभयारण्य ये हैं आपके। और ये जो गोविंद पशु वन्यजीव अभयारण्य है ये किसके नाम पर पड़ा था? गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर पड़ा था। नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जो फैक्ट बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपके उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क हो गए। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में केवल एक वन्यजीव नेशनल पार्क स्थित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की बात करें, केवल एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो है आपके वन्यजीव अभयारण्य है, कुछ पक्षी विहार भी हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ध्यान रखिएगा, पटना वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। बकीरा आपका संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, हालांकि संत कबीर नगर से मैं भी बिलोंग करता हूँ, संत कबीर नगर, ठीक है। लाख पहोसी अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये सारे आपके क्या वन्यजीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश में पूछे कितने नेशनल पार्क है, तो ध्यान रखिएगा एक, दुधवा नेशनल पार्क। और आपसे पूछे भारत में कितने नेशनल पार्क है, तो 105 है। वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, 531 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे सैंडी, समसपुर, समन, ठीक है, पटना, ओखला आपके कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखो अच्छे से वीडियो एक बार दो बार देख सकते हो, वीडियो देख लिया चलो याद हो गया उस टाइम के लिए, लेकिन आप रिविजन तेजी से कैसे करोगे? रिविजन करोगे जब आपके पास नोट्स रहेगा। नोट्स कैसे रहेगा? जब आप मेहनत करके खुद से इसको लिखोगे, कॉपी बनाओगे। नहीं कर सकते तो आप झक मार के पीडीएफ ले लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक जीके भी। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट बात करें गुजरात, गुजरात में अगर जो हम आते हैं तो गुजरात में कुछ 3-4 हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो गुजरात में देख लीजिए आपका ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मैरीन या कच्छ की खाड़ी में है स्थित राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, वसंधा राष्ट्रीय उद्यान और जंगली गधा अभयारण्य, यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके गुजरात के वन्य राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कुछ एशियाई शेरों को, ठीक है, यहाँ से देखो जो यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कुछ शेर पाए जाते थे, एशियाई शेर, और इन शेरों को निकालकर एमपी के कूनो अभयारण्य में बसाने के लिए यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई है। इन शेरों को निकालकर
कूनो, यहाँ पे जो कूनो अभयारण्य बनाया गया यहाँ पे बसाया जाएगा। कूनो मैंने बताया, कूनो भारत का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क की बात करें, ये आपसे पूछे एमपी में है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एमपी में है। एमपी यहाँ पे मैंने कराया, देखिए इतने सारे नेशनल पार्क मैंने खुद कराए और किसी में इतने सारे नहीं कराया। नेशनल पार्क यहाँ पे 5 है, ठीक है, लेकिन एमपी में ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है एमपी में, ठीक, नेशनल पार्क है एमपी में। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधवा। आगे बढ़े, अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये वाला हमारा पीडीएफ है सारा, पीडीएफ से हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पीडीएफ से बात करें कर्नाटका की, देख लेते हैं कर्नाटका स्टेट में, कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागारहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये नेशनल पार्क की बात नहीं हो रही, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बंदेघाटा राष्ट्रीय उद्यान है, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। पंजाब की बात करें हरके झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये एक वेटलैंड साइट है, वेटलैंड साइट का अलग से हम एक वीडियो करेंगे, दो वीडियो करेंगे, एक तो वेटलैंड साइट का, ठीक है, जरूरी नहीं हम 46 वीडियो ही करें, 46 टॉपिक पीडीएफ में हम 50 भी कर सकते हैं क्योंकि दो तीन टॉपिक एक्स्ट्रा और आ जाएंगे, ठीक है। पंजाब में ध्यान रखिएगा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है आपका हरके झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। गोवा की बात करें सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ध्यान रखिएगा ये गोवा, ये मैं दो ये नाम बता रहा हूँ, सलीम अली एक प्रकार के ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, तो सलीम अली मैं दो बार नाम लिखता हूँ, कंफ्यूज आप हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, सलीम अली मैंने लिखा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य और मैंने लिखा सलीम अली नेशनल पार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, गोवा में, और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे बात करें गोवा में भगवान महावीर का मुल्लम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका कहाँ पे है, गोवा में है, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया नोट्स में भी, आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। भारतीय पक्षी विज्ञानी प्राकृतिक विद सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर का, तो इसको देख लीजिएगा, हैमिच रहाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का, और बक्सा, ये सुंदरबन और बक्सा जो है एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर संरक्षित क्षेत्र भी है। और बात करें अगर जो हम पश्चिम बंगाल में, तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि मैंने बताया आपका कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे लेटेस्ट है, लेकिन कूनो के पहले कौन सबसे लेटेस्ट था, वो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान था। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखो मैंने इंपॉर्टेंट ही कराए हैं, बाकी और आपको मिलेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो इसलिए पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसाम की बात करें तो आसाम में देख लेते हैं, तो आसाम में बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये मानस आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये आसाम में है, ठीक। आगे बढ़े, नेमोरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आसाम में है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी आपका आसाम में है। नेक्स्ट बात करें आंध्र प्रदेश में, तो इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है आसाम में, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आसाम में है, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है और नागार्जुन सागर यह भी आपका आसाम में है, एक प्रकार का प्रोजेक्ट है टाइगर रिजर्व का, श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नागार्जुन सागर में है श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान। पुलिकट झील अभयारण्य ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, ये तो आंध्र प्रदेश के हो गए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पॉपी कोंडा, श्री वेंकटेश्वरम और श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान और पुलिकट झील अभयारण्य, ये सारे आंध्र प्रदेश के हो गए। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तेलंगाना में अगर जो हम आते हैं कासू सुब्रमण्यनंद रेड्डी, अब कासू सुब्रमण्यनंद रेड्डी की बात करें, ये आंध्र प्रदेश जब डिवाइड नहीं हुआ था किससे, तेलंगाना से, तो 3 बार सीएम रह चुके थे और ये तेलंगाना थे, इन्हीं के तेलंगाना के थे, इन्हीं के नाम पे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, ठीक है। मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका तेलंगाना में है, इसको ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो बोरीवली, ये बोरीवली में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
चांदौली राष्ट्रीय उद्यान चांदौली यानी कि एमपी में है। तांबोदा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये भी एमपी में महाराष्ट्र में सॉरी महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवागांव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये भी महाराष्ट्र में है। और मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तो इतने हमने कराए, बाकी और भी जो स्टेट के छोटे मोटे हैं राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क उसको हमने पीडीएफ में ऐड कर दिया, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करा दिया है। बाकी आप पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो साथ में, ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, ये स्ट्रेटेजी की पीडीएफ है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।